बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर, वैसे तो हमारी इस्लामिक स्टडीज़ में अमूमन ग्रामर को सबसे पहले रखा जाता है, लेकिन मेरी ये एक थोड़ी सी राय है वो ये है कि ग्रामर चूँकि एक इररिलेटिव चीज़ों में से आती है, जो मतलब हमारे सब्जेक्ट से मुतालिक तो है, लेकिन इसका आम तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं लेते, जिसकी वजह से तवज्जो नहीं होती, मतलब इसकी फिक्र नहीं करते, वो समझ जाता कि इररिलेवेंट है, जबकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए मेरी एक थोड़ी सी कोशिश ये होती है कि आखिर में ग्रामर रखी जाए, ताकि पेपर्स एग्ज़ाम्स के नज़दीक नज़दीक कुछ ना कुछ जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तवज्जो की है, कुछ वो लिखना इतना लिख लें कि जिससे उनकी कम अज़ कम जो है ना वो मार्किंग जो है ना वो पासिंग मार्क्स की तरफ निकल जाए। तो इस एतबार से हम ग्रामर शुरू करेंगे आखिर में सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ग्रामर में सबसे पहली चीज़ है कलीमा और उसकी अकसाम। कलीमा हर बमाना लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस किसी लफ्ज़ का मतलब हो, कोई मतलब हो, कोई माना हो, उसको कलीमा कहते हैं। इसकी तीन किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम किसी भी जगह, चीज़ या जानवर का नाम उसे इसम कहते हैं, जैसे ज़ैद मिसाल के तौर, या किसी का अब्दुल्ला नाम, किसी का अबू बकर नाम, उमर नाम, उस्मान, अली, ये नाम जो हैं ये इसम कहलाते हैं। या किसी चीज़ का नाम होना, जैसे कुर्सी, किताब, कलम, या इसी तरह ही किसी जानवरों में से किसी का नाम जमल, ऊंट को कहते हैं, या हमारी उर्दू ज़ुबान में किसी को जो है ना वो घोड़ा, हाथी, बैल, गाय, ये जो नाम हैं ये सब इसम की अकसाम, कलमा की अकसाम में सलासा जो है उनमें से इसम कहलाता है। दूसरी किस्म है फ़ेल। फ़ेल वो कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या होना बताया जाए, फिर उसमें तीन ज़माने हैं, माजी ज़माने में, गुज़िश्ता ज़माने के बारे में खबर दी जाए, मौजूदा ज़माने में, या आइंदा ज़माने में कोई काम करने के मुतालिक कहा जाए, तो वो फ़ेल कहलाएगा। यानी आसान अल्फाज में यूँ कि कलिमा की एक किस्म फ़ेल है जिसमें कोई ज़माना पाया जाए और किसी काम के करने या ना करने का उसमें हमें इत्तला दी जाए, वो फिर तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने में होगा, या माजी में, या मुजारे में, यानी हाल में, या मुस्तकबिल में। इसकी मिसाल जैसे ज़ारबा, उसने मारा, यद्रिबू, या यक्तुबू, लिखता है वो लिखेगा, या मारता है वो मारेगा। आखिरी चीज़ कलीमा की अकसाम में से हर्फ। हर्फ वो कलीमा कहलाता है जो अकेला अपने मतलब का कोई माना नहीं रखता, यानी अकेला अपनी ज़ात में कोई मतलब कोई माना नहीं रखता, वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होता है, बग़ैर अपने तौर पर किसी मिलाए उसको ज़ाती तौर पर अगर हम पढ़ें तो उसका मतलब तो तर्जुमा तो हो जाएगा लेकिन मफहूम हमें समझ नहीं आएगा। जैसे मिन, अरबी में मिन का मतलब है से, आला का मन है पर, फी का मन है में। अब खाली मिन लिख दें से, किससे, कुछ कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसी को किसी कलाम के अंदर शामिल करेंगे, सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती, सिरतु मिन मक्कता इलल मदीनती, तो अब सिरतु के बाद मैंने सैर की मिन मदीनता मदीना मुनव्वरा, मिन मक्कता मक्का से, मिनल इलल मदीनती मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो ये मिन का मतलब फिर हमें समझ लगेगा। तो यूँ कलिमा की तीन अकसाम हुई, इसम, फ़ेल और हर्फ। उसके बाद हम आते हैं फ़ेल की अकसाम की तरफ। फ़ेल की अकसाम कितनी हैं? कहा कि फ़ेल के तीन अकसाम हैं, माजी नंबर टू, मुजारे नंबर थ्री, अमर और नहीं। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में बताया जाए, जैसे कताला, उसने कत्ल किया, कताबा, उसने लिखा, दाखला, वो दाखिल हुआ, कि हमें इसमें इतनी खबर मिल रही है कि उस फलां शख्स ने काम किया था, कताबा, उसने लिखा था, यानी किसी ज़माने में लिखा था, तो ये गुज़िश्ता ज़माने की जो खबर दी जाए वो फ़ेल माजी कहलाती है। फिर आगे फ़ेल माजी की, जैसा कि फ़ारसी ग्रामर के अंदर भी माजी की छः अकसाम आती हैं, यहाँ अरबी ग्रामर में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो उसी एतबार से इसकी छः अकसाम बनती हैं फ़ेल माजी की, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शक्किया और माजी तमन्नाई। माजी शक्किया का एक और नाम है माजी इहतमाली। तो इस एतबार से छः अकसाम बनती हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शक्किया और माजी तमन्नाई। फिर फ़ेल मुजारे जो है, इसकी तारीफ हम कर लें पहले, फिर आगे इसकी अकसाम जिक्र करेंगे। फ़ेल मुजारे वो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना या हाल या ज़माना मुस्तकबिल में से किसी एक ज़माने में पाया जाए,
जैसे यंसुरु वो मदद करेगा या मदद करता है, यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा, यज़हबु वो जाता है या जाएगा। फ़िल अमर वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हमें समझ लेना हो, किसी काम की फरमाइश की जाए, किसी काम की को किसी काम का हुक्म सादिर किया जाए, जैसे इज़री तुम आर उनसुर मदद कर, उक्तुब तू लिख। इसके अपोजिट फ़ेल नहीं जिसमें किसी काम से रोका जाए, ना करने का हुक्म दिया जाए, जैसे उसकी मिसाल ला तक्तुब तू ना लिख, ला तगरिब तू ना मार, ला तंसुर तू मदद न कर। याद रख फेल की अकसाम माजी मुजारे और अमर नहीं की तारीफात हो गई। अब आगे हम माजी की अकसाम शुरू करते हैं। माजी की अकसाम तो माजी की अकसाम के एतबार से मैंने जैसे अर्ज किया कि फारसी दान जो फारसी ग्रामर है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, तो फेल माजी की अकसाम, तो फेल माजी की अकसाम, सबसे पहले माजी मुतलक। माजी का मफहूम तो हम पहले वाज़े कर चुके हैं कि जिसमें गुज़िश्ता ज़माने के बारे में कोई खबर दी जाए वो माजी कहलाती है। फेल माजी इसमें पहली किस्म है माजी मुतलक, हम पहले इसी को लेंगे माजी मुतलक को ही। तो माजी मुतलक वो है इसमें करीब या बईद की कोई कैद ना हो, यानी ऐसे सीगे से इसका इस्तेमाल हो कि जिसके अंदर हमें करीब या बईद की कोई खबर ना मिले, बस किसी काम के होने की खबर मिले। फिर उसके बाद कहते हैं जी सलासी मुजर्रद, क्या चीज़ है सलासी मुजर्रद? वो है जिस फेल में तीन हरूफ असलियाँ हों उसको सलासी मुजर्रद कहते हैं। एक है हरफ असली, एक है हरफ जायद। हरफ असली वो होता है जो फा आइन और लाम फ़ाला इसके मुकाबले में आए, हरफ जायद वो होता है जो इन तीन हरफों के अलावा हो, जैसे इजतनाबा इफ्तआला के वजन पर। अब इजतनाबा इफ्तआला की जगह हम इसको लिखेंगे तो इफ्तआला और इजतनाबा में देखेंगे जीम नून और बा फा आइन लाम के मुकाबले में आते हैं, चुनाचे फा आइन लाम के मुकाबले में आने वाले जीम नून बा तीन हर्फ हर्फ असली कहलाएंगे, उसके बाद हमजा और इसी तरह ता ये हरूफ जायद होंगे। तो सलासी मुजरद जिस फेल में तीन हरूफ असली हैं उसको सलासी मुजरद कहते हैं, सवारबा कतबा समिया शरूफा वगैरह। इन हरूफ को मादा भी कहते हैं असल भी कहते हैं, जब तक फेल का मादा मालूम ना हो उसके माना का पता चलना है बड़ी मुश्किल है, इसलिए अरबी जुबान में मादा का मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। फेलों में माजी का पहला सीगा वाहिन जिक्र गायब कहलाता है, मादे को जाहिर करता है। उसके बाद आगे इसकी पूरी गर्दान है 12 सीगों की, जो तीन जिक्र गायब के, तीन मुअन्नस गायब के 6, तीन जिक्र हाजिर के, तीन मुअन्नस हाजिर के 12, और दो मुतकल्लिम के सीगे, कुल 14 सीगे हैं जो इस एतबार से इन्हीं गर्दान में अरबी ग्रामर की गर्दान में आते हैं। तो इसमें इन्हीं पहले सीगे से ही हम मादे की तलाश अगर करना चाहें तो पहले सीगे में हमें फेल की असलियत मालूम हो जाएगी कि इसका असल मादा क्या है। इस सीगे में मादे के असल हरूफ होते हैं और कोई हर्फ जायद नहीं होता। सलाती मुजरद में फेल माजी तीन तरह से आती है, जैसे फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला, समिया शारूफा और कतबा। गर्दान फेल माजी मुतलक की सलाती मुजरद के पहले सीगे वाहिद जिक्र गायब में अलिफ लगा दें और इसी तरह इसके आगे वाव लगा दें तो ये सीगे आगे बनते चले जाएंगे। फिर उसके बाद फेल माजी की गर्दान अगर हम देखें तो वाराबा ये माजी का पहला सीगा, उसके बाद इसके आखिर में अलिफ बढ़ा दिए तो ज़राबा, आखिर में वाव लगा दिए ज़राबू, आखिर में ता साकिन लगा दिए ज़राबत, लफ्ज़े ता लगा दिए ज़राबता, और फिर आखिर से पहले हर्फ को साकिन करके नून मफ्तूह लगा दिया तो ज़रबना, फिर आगे ज़रबता, तुमा लगाने से ज़रबतुमा, तुम लगाने से ज़रबतुम, ती लगाने से ज़रबती, तुमा से तुमा, ज़रबतुमा और तुन्ना से ज़रबतुन्ना, आगे ज़रबतू तू लगा देने से और ना जमा मुतकल्लिम का सीगा लगाने से ज़रबना बन गया। ये 14 सीगे बन गए, तीन मुज़क्कर गायब के, तीन मुअन्नस गायब के 6, तीन मुज़क्कर हाजिर, तीन मुअन्नस हाजिर के 12, उसके बाद दो मुतकल्लिम के सीगे। अरबी ग्रामर में अक्सर अफ़ाल के 14 सीगे ही आते हैं, गायब के 6, तीन मुज़क्कर गायब से मैंने इसकी तरतीब बताई। फिर उसके बाद इसकी दूसरे सीगों से गर्दाने बनाना बिल्कुल आसान, इसी वजन पर काताबा से हम देखें, अगर काताबा से फेल माजी मुतलक मारूफ की गर्दान बनाई जाए अगर, तो
उसमें कतबा कतबा कतबु कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबति कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना। तर्जुमे भी वही फर्क आता रहेगा, ज़रबा उसने मारा, कतबा उसने लिखा, कतबा उस दो मर्दों ने लिखा, कतबु उन सब मर्दों ने लिखा, कतबत उस एक औरत ने लिखा, कतबता उन दो औरतों ने लिखा, कतबना उन सब औरतों ने लिखा। तो इस एतबार से यूं सीगों की तरतीब बनती जाएगी मुख्तलिफ हरूफ की तब्दीली मुतवक्के होने से जो है ना वो मुतहक्किक होने से साथ साथ माना उसका बदलता चला जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं माजी मुतलक के बाद माजी करीब की तरफ। माजी करीब क्या है? फरमाया इसी माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ कद लगा देने से माजी करीब बन जाएगा। बिल्कुल आसान, यानी आप माजी मारूफ मुतलक जो है उसकी गर्दान को रट लें, उसके सीगों की पहचान हासिल कर लें, उन सीगों के शुरू में कद लगाते जाएं तो आपकी माजी करीब बन जाएगी। जैसे ज़रबा ज़रबा ज़रबु ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबत ज़रबना, ये 14 सीगे थे। अब आपने इसके शुरू में कद लगा दिया, कद ज़रबा कद ज़रबा कद ज़रबु कद ज़रबत कद ज़रबता कद ज़रबना कद ज़रबता कद ज़रबतुमा कद ज़रबतुम कद ज़रबती कद ज़रबतुमा कद ज़रबतुन्ना कद ज़रबतु कद ज़रबना, तो ये 14 सीगे कद के साथ लगा देने से माजी करीब बन जाती है, बिल्कुल आसान। उसके बाद है जी माजी बईद, इसी किस्म, ये भी उसी तरह ही कद की जगह काना लगा दें, ठीक है। और लेकिन इसमें फर्क यह आएगा कि माजी मुतलक में हमने कद लगाया और माजी करीब बनाई। लफ्ज़ कद ये हर्फ है, तहकीक के लिए आता है माजी में शुरू में। ये अरबी जो दकीक ग्रामर जो आगे जो है ना मुतमविल ग्रामर जो होती हैं, जो उसमें तवील ग्रामर जो होती है, मुतमविल तवील ग्रामर जो है उसमें फिर इसकी आगे तफासिल आती हैं। तो माजी करीब में तो कद का सीगा तब्दील नहीं होगा, कद कद ही रहेगा, उसके बाद आगे सीगे तब्दील होते जाएंगे, माजी की किरदार बदलती जाएगी। लेकिन माजी बईद में काना ये खुद बदलता जाएगा साथ साथ, यानी कान दरबा काना दरबा कानू दरबू कानत दरबत कानता दरबता का कुन्ना दरबना कुंता दरबता कुंतुमा दरबतुम दरबतुमा कुंतुम दरबतुम कुंती दरबती कुंतुमा दरबतुमा कुंतुन्ना दरबतुन्ना कुंतु दरबतु कुन्ना दरबना। यूं कुन्ना का इस्तेमाल साथ साथ तब्दील होता चला जाएगा। ये माजी बईद की मिसाल। फिर आगे इसी तरह उसे इन्होंने अलग से भी लिखा, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। फिर फिर माजी बईद की गर्दान अगर काना का इस्तेमाल करके जैसे हमने पीछे देखा, इसी तरह ही आगे काना दरबा काना दरबा कानू दरबु कानत दरबत कानता दरबता कुन्ना दरबना कुंता दरबता कुंतुमा दरबतुमा कुंतुम दरबतुम कुंती दरबती कुंतुमा दरबतुमा कुंतुन्ना दरबतुन्ना कुंतु दरबतु कुन्ना दरबना। अब तर्जमे में क्या आएगा? फ़र्क यह आएगा, कद के साथ तर्जमा था उस एक मर्द ने मारा है, दरबा कद दरबा उस एक मर्द ने मारा है, कद दरबता उन दो औरतों ने मारा है। लेकिन काना का इस्तेमाल जब करेंगे तो काना दरबा उस एक मर्द ने मारा था, काना दरबा उन दो मर्दों ने मारा था, यानी यूं इसका इस्तेमाल सीगे के तब्दीली के साथ साथ आता चला जाएगा। ये आखिर तक इसकी गर्दान ऐसे ही रहेगी। उसके बाद हम आते हैं एक नई चीज, वो ये है कि फेल हमने शुरू में देखा कि हमने सलासी मुजरद का जो है मुजरद को देख लिया। अब हम आते हैं फेल माजी में, बाज़ चीज़ें लाजिम हैं बाज़ मुतअद्दी हैं। फेल लाजिम वो फेल कहलाता है जो फेल फकत फाइल पर पूरा हो जाए, यानी उसमें फेल बाद में फाइल आए, हमें मफूल की ज़रूरत वाकई ना हो, हमें ज़रूरत महसूस ना हो, हमारी कलाम पूरी हो जाए, सुनने वाले को बात समझ आ जाए, वो फेल लाजिम कहलाता है। मुतअद्दी इसके बिल्कुल अपोजिट, जिसमें समझ ना आए जब तक कि मफूल जिक्र ना किया जाए तब तक बात वाज़े ना हो, वो फेल मुतअद्दी कहलाता है। जैसे हम देखें मिसाल के तौर पे, हसुना जैद जैद अच्छा है, खूबसूरत हुआ जैद। अब बात पूरी हो गई, अब मजीद हमें इबहाम नहीं दिल में रहता। जा जैद जैद आ गया, ज़हब बकरुन बकर गया। लेकिन इसके मुखालिफ मुतअद्दी फेल में अगर देखें हम, उसमें फेल के बाद फाइल फाइल के बाद मफूल तीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कतल जैद जैद ने कतल किया, फ़ौरन सवाल जहन में आएगा किसको किया, तो जिसको कत्ल किया वो मफूल बिही जिक्र करना लाजमी है। शारिबा जैदुन जरा जैद जो है उसने पिया, क्या पिया, लबनन दूध पिया, तो ये मफूल बिही की जरूरत पड़ती है। ये तो फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। अब हम आते हैं फेल मुतअद्दी की अकसाम की तरफ। फरमाया कि एक है फेल मारूफ फेल मजहूल।
फेले मारूफ वो फेल कहलाता है जिसमें मारने वाला करने वाला फाइल का इल्म हो, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की जा रही है उसका इल्म हो। जैसे ज़रबा ज़ैद, ज़ैद ने मारा, क़त्ल खालिद, खालिद ने कत्ल किया। फेल मजहूल वो होता है जिसमें हमें करने वाले का इल्म ना हो, ला इल्मी हो, उसके फाइल के बारे में हमें मालूम ना हो, वो फेल मजहूल कहलाता है। जैसे शुरिबल मा, पानी पिया गया, पिया किसने है कुछ पता नहीं। कुतिबा मकतूबन, खत लिखा गया, किसने लिखा, किसको लिखा, कुछ पता नहीं। ये फेल मजहूल की मिसालें। फिर उसके बाद फेल माजी मजहूल जो है उसकी बिल्कुल गर्दान बनाने का भी वही तरीका जो हमने मारूफ में पढ़ा कि असल मादा असलिया को लेंगे ज़राबा, उसके आखिर में अलिफ लगाएंगे तो ज़राबा, वाव पर उससे पहले पेश लगाएंगे तो ज़राबू, लफ्ज़ ता साकिन करके लगाएंगे ज़राबत, ज़राबता, ज़राबना, ये सारी चीज़ें हम आखिर तक देख चुके हैं इसको। अब मजहूल में सिर्फ फ़र्क ये करेंगे कि हम माजी मुतलक मारूफ के पहला सीगा ज़राबा उसको लेंगे, पहले हर्फ फा पर पेश लगा देंगे, दूसरे हर्फ आइन पर ज़ेर देंगे, यानी आखिर से पहले हर्फ जितने हरकत वाले हर्फ हैं सबको ज़ेर दे देंगे, आखिर हर्फ को उसकी हालत पर छोड़ देंगे। जैसे दाराबा से दूरीबा, इसी तरह सी गर्दान बिल्कुल आगे वैसे ही बनेगी, सिर्फ पहले सीगे में तब्दीली करेंगे, कानून लगाएंगे, उसके बाद फिर इसी कानून के मुताबिक जैसे बाकी मारूफ की गर्दान थी उसी तरीके से हम पूरी गर्दान पढ़ते चले जाएंगे। दुरीबा दुरीबा, दुरीबू, दुरीबत, दुरीबता, दुरीबना, दुरीबता, दुरीबतुमा, दुरीबतुम, दुरीबती, दुरीबतुमा, दुरीबतुन्ना, दुरीबतु, दुरीबना। यानी इसमें अब सिर्फ हमने पहले सीगे में तब्दीली की, पहले सीगे में हमने माजी मजहूल का कायदा लगाया, उसके बाद हमने आखिर तक कोई तब्दीली ना की, वही हमारा सीगा, वही तरतीब जो मारूफ में थी वही मजहूल में लगती चली जाएगी। तर्जुमे में अलबत्ता फ़र्क आ जाएगा, पहले था वाराबा उसने मारा, अब है दुरीबा वो एक मर्द मारा गया, दुरीबा वो दो मर्द मारे गए, दुरीबू वो सब मर्द मारे गए, उनको मार पड़ी, ये नहीं पता किसने मारा। यही तो मजहूल है, जिसमें फाइल का इल्म ना हो वो मजहूल, जिसमें फाइल का इल्म आ जाए वो मारूफ, और जिसमें फाइल का इल्म आए और वो बात पूरी हो जाए, फाइल फकत फाइल पर पूरी हो जाए वो फेल लाजिम, और जिसमें फाइल तक बात पूरी समझ ना आए, मफहूम उसका वाजे ना हो, इबहाम बाकी रहे, हमें क्लियर ना हो, वाजे ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है किसी मफ़ूल को जिक्र किया जाए, वो मुतादी है। तो यूँ हमने लाजिम और मुतादी को एक दफ़ा फिर तकरार कर लिया उसका। माजी मनफी में अब हम नई चीज़ लेके आते हैं, माजी मनफी, ये थी माजी मारूफ जिसमें करने वाले का इल्म हो, मजहूल जिसमें करने वाले का इल्म ना हो। आगे थी माजी मनफी, माँ, लफ्ज़ माँ से नफ़ी की जाती है किसी काम की, एक है मुस्बत एक है मनफी। मुस्बत वो फेल होता है जिसके साथ काम के होने का इल्म हो, ज़राबा उसने मारा, माँ ज़राबा उसने नहीं मारा, तो मनफी माजी मनफी वो होती है जिसमें फेल के ना होने का इल्म हो। जैसे माजी मनफी जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का ना करना या ना होना जाहिर किया जाए, जैसे माँ अकला उसने नहीं खाया, माँ नसरा उसने मदद नहीं की, माँ दाखला व दाखिल नहीं हुआ। इसके बनाने का कायदा क्या है, बिल्कुल आसान, माजी मुस्बत के सीगों पर सिर्फ माँ लगा दें, माजी मनफी बन जाएगी। बाज़ औक़ात ला का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में उसके बाद आम तौर पर ला इस्तेमाल होती है, ला अकलता वला शरीबता। इसकी बात नहीं, इस ये बात समझ लेने के बाद इसकी गर्दान की बात की जाए तो सिर्फ माँ का इस्तेमाल आखिर तक लगाते जाएंगे, मारूफ में भी मजहूल में भी, तो माजी मनफी मारूफ, माजी मनफी मजहूल बनती जाएगी। गर्दान में एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, माँ ज़रबा माँ ज़रबू माँ ज़रबा माँ ज़रबू माँ ज़रबा माँ ज़रबा माँ ज़रबू माँ ज़रबत माँ ज़रबता माँ ज़रबना माँ ज़रबता माँ ज़रबतुमा माँ ज़रबतुम माँ ज़रबती माँ ज़रबतुमा माँ ज़रबतुन्ना माँ ज़रबतु माँ ज़रबना। ये मारूफ की मनफी की मिसाल। आगे मनफी मजहूल की मिसाल, माँ ज़ुरीबा माँ ज़ुरीबा माँ ज़ुरीबू माँ ज़ुरीबत माँ ज़ुरीबता माँ ज़ुरीबना माँ ज़ुरीबता माँ ज़ुरीबतुमा माँ ज़ुरीबतुम माँ ज़ुरीबती माँ ज़ुरीबतुमा माँ ज़ुरीबतुन्ना माँ ज़ुरीबतु माँ ज़ुरीबना। ये मजहूल की मिसाल, यानी मनफी मजहूल की मिसाल। यहाँ तक हमने माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, उसके ज़िमन में हमने लाजिम को, मुतअद्दी को, मनफी को, मुस्बत को, मारूफ को, मजहूल को, उनके बनाने के कवायद सब डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं माजी इस्तेमराली, अपनी असल माजी की अकसाम की तरफ। तो माजी की अकसाम में दूसरी चीज़ जो तीसरी चौथी है, माजी मतलब माजी करीब, माजी बईद, चौथी किस्म माजी इस्तेमराली, जिसमें किसी काम के होने का
इस्तिमरार का इल्म हो, यानी वो काम कंटिन्यूसली होता रहा है, उसमें पंक्चुअलिटी थी, उस बंदे के काम करने में वक्फा नहीं था, उसमें खला नहीं था, उसके अंदर दूरी नहीं थी, बल्कि वो काम कंटिन्यूसली करता रहता था। जैसे फिल माजी इस्तिमरारी वो फिल है जिसमें ज़माने माजी में काम का करना या होना तसलसल के साथ पाया जाए, जैसे काना यद्रिबु वो मारता था या मारा करता था, काना यंसुरु वो मदद करता था। इसके बनाने का कायदा क्या है? इसके बनाने का कायदा, इसमें हम थोड़ा सा अपनी जो एक माजी की जो एक समझ लीजिए कि एक किस्म थी माजी, मुतलक माजी करीब, उससे थोड़ा सा हटेंगे हम। वो क्या है, माजी इस्तिमरारी में काना का इस्तेमाल ही होगा जैसे माजी बाईद में होता है, लेकिन फ़र्क क्या आता है कि इसके इस्तेमाल के लिए काना का इस्तेमाल मुजारे के शुरू में आएगा, माजी के शुरू में नहीं आएगा। जैसे यदरीबु मुजारे है, आगे हम मुजारे को मुस्तकिल हम इंशाल्लाह इसको करेंगे अगले सबक में, मुजारे की मुस्तकिल बात हम करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ माजी इस्तेमरारी को समझने के लिए मुजारे के कदाम को एक दफ़ा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यदरीबु यदरीबानी यदरीबूना, तदरीबु तदरीबानी यदरीबना, तदरीबु तदरीबानी तदरीबूना, तदरीबीना तदरीबानी तदरीबना, अजरीबु नजरीबु, ये मुजारे के सीगे 14। तरतीब वही, तीन मुजक्कर गायब, तीन मुअन्नस गायब, तीन मुजक्कर हाजिर, तीन मुअन्नस हाजिर, दो मुतकल्लिम के सीगे। अब इनके शुरू में काना का इस्तेमाल करते जाएंगे, काना यदरीबु, काना यदरीबानी, काना, तो ये गर्दान इसकी माजी इस्तेमरारी की बन जाएगी। तर्जुमा इसका मुजारे के एतबार से, यदरीबु का माना होता है मारता है या मारेगा वो एक मर्द, काना यदरीबु मारता था या मारेगा, मारता था वो एक मर्द, काना यदरीबानी मारते थे वो दो मर्द, कानू यदरीबु ना मारते थे वो सब मर्द, कानत तदरीबु वो एक औरत मारती थी, कानता तदरीबानी वो दो औरतें मारती थी, कुन्ना यदरीबना वो सब औरतें मारती थी, कुन्ता तदरीबु तो एक मर्द मारता था, कुन्तुमा तदरीबानी तुम दो मर्द मारते थे, कुन्तुम तदरीबुना तुम सब मारते थे, कुन्ती तदरीबीना तुम तो एक औरत मारती थी, कुन्तुमा तदरीबानी तुम दो औरतें मारती थी, कुन्तुन्ना तदरीबना तुम सब औरतें मारती थी, कुन्तु अदरीबु मैं एक मर्द या एक औरत मारती थी मारता था, कुन ना नदीबु हम दो मर्द या सब मर्द दो औरतें या सब औरतें मारती थी। तो ये माजी इस्तेमाली का इसका इस्तेमाल यूँ बनेगा। इसके बाद है जी माजी इहतमाली या उसका दूसरा नाम माजी शक्किया, इसका इस्तेमाल लफ्ज़ लअल्ला के जरिए से होगा। माजी शक्किया वह फेल होता है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने के शक के माने में बात की जाए, यानी उसमें शक हो, उसमें यकीन ना हो। जैसे लअल्ला ज़ैदन कतबा, शायद ज़ैद ने लिखा हो, शायद ज़ैद ने लिखा हो। लअल्ला खालिदन नसरा, शायद के खालिद ने मदद की हो, उम्मीद है खालिद ने मदद की होगी, यानी इहतमाल हो, यकीन ना हो, तो लअल्ला का इस्तेमाल। यहाँ पर भी हम एक बात वाज़े कर दें कि जिस तरह कद का इस्तेमाल माजी करीब में इस्तेमाल होता है और कद में कोई तब्दीली नहीं आती, इसी तरह लअल्ला भी वैसे ही रहेगा। लअल्ला को हम लअल्ला यूँ इसकी गर्दान नहीं बनाएंगे, बल्कि लअल्ला वैसे ही रहेगा। इसे हरफ़ तरजीह भी कहते हैं, लईता हरफ़ तमन्नी है। तो वो आगे इसकी मजीद आगे जो है तफसीली ग्रामर में इसकी सारी चीज़ें हम जिक्र कर सकते हैं, उसमें तफसील में इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो लअल्ला ज़ैदन कताबा, शायद के ज़ैद ने लिखा। इसके बनाने का कायदा, माज़ी मुतलक से पहले कोई इसम लाया जाए और उससे पहले लअल्ला का इजाफा कर दिया जाए, माज़ी से पहले इसम लाया जाए उसके शुरू में लअल्ला का इजाफा कर दिया जाए। लअल्ला चूँकि इसम नसब है, इसलिए लअल्ला के बाद आने वाले इसम पर हमेशा ज़बर आएगी। जैसे लअल्ला ज़ैदन ख़राजा, शायद ज़ैद निकला। माज़ी शकिया की गर्दान माज़ी मुतलक की तरह ही आएगी, जैसे कद का इस्तेमाल मैंने बताया आपको, उसी तरह ही इसकी गर्दान भी आगे तक चलेगी। आखिरी किस्म फेल माजी में से माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया, जैसे माजी शकिया और माजी तमाली के दो नाम थे ना, इस तरह माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया इसके भी दो नाम हैं। मफहूम इसका यह है कि माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया से मुराद ऐसा फेल है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में कोई शर्त या आरज़ू पाई जाए, जैसे लौ ज़रअता लहसबता, काश के, या अगर तू बोता
तो खेती को काटता, अगर तू बीज बोता खेती काटता। लैत शबाब आदा, काश के जवानी लौट आए। अब ये इसका भी इस्तेमाल माजी के शुरू में इसम लगाया, इसम से शुरू में लऊ लगा दिया या लैता लगा दिया। बनाने का कायदा वही जैसे मैंने अर्ज कर दिया कि लैता का इस्तेमाल करेंगे, लऊ का इस्तेमाल करेंगे किसी इसम पर और उस इसम के बाद माजी मुतलक को लेके आएंगे, और ना लैता बदलेगा लैतुमा लैतुम लैती लैतुमा लैतुन्ना, ठीक है जी, और ना ही लऊ का इस्तेमाल बदलेगा, बल्कि आखिर में यही सीगा के आखिर में माजी मतलब की तरह ही तब्दीली होती चली जाएगी। तो यहाँ तक हमने माजी की अकसाम पढ़ ली। अब मैं इसको दोहराता हूँ। नंबर एक, माजी मुतलक। माजी मुतलक क्या है? माजी मुतलक वो है जिसके अंदर सिरे से सिवाय माजी के सीगे वाहिद, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा लेंगे, उसके आखिर में अलिफ बढ़ाएंगे तस्निया मुज़क्कर गायब बन जाएगा, वाव बढ़ाएंगे उससे पहले पेश लगाएंगे जमा मुज़क्कर गायब बन जाएगा, लफ्ज़े ता साकिन करके लगाएंगे तो वाहिद मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। इसी तरह आखिर तक 14 सीगे इसके मादी मुतलक की गर्दान बनेगी। मादी मुतलक के बाद मादी करीब। मादी करीब में कद का इस्तेमाल होता है, मादी करीब में कद का इस्तेमाल होता है। कद ज़रबा, कद ज़रबा, कद ज़रबू, कद ज़रबता, कद ज़रबना, कद ज़रबतुमा, कद ज़रबा, ये आखिर तक गर्दान सारी इसकी। उसके बाद कद का इस्तेमाल कर लिया, कद का सीगा तब्दील नहीं होगा, सिर्फ माजी मुतलक ही बदलती जाएगी, सीगा बदलता जाएगा, कद वैसे का जो का तू रहेगा। फिर उसके बाद काना का इस्तेमाल है माजी के शुरू में, तो माजी बईर बन जाएगी। इसमें काना का भी इस्तेमाल करते वक्त काना की तब्दीली भी मुतवक्के मुतहक्किक करेंगे, यानी काना काना कानू कानत, इसी तरह काना ज़रबा काना ज़रबा कानू ज़रबू कानत ज़रबत कानता ज़रबता, यानी काना का भी सीगा साथ साथ बदलेगा, जैसा कि माजी मुतलक मारूफ में सीगा बदलेगा साथ साथ काना का इस्तेमाल भी बदलता चला जाएगा। या तक तीन माजियां पूरी। चौथी मादी इस्तिमरारी। मादी इस्तिमरारी के लिए मैंने अर्ज किया कि हमें ज़रूरी है कि उसके लिए मुजारे की गर्दान, मुजारे का मुस्तकिल गर्दान इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त इतना ज़हन में रखें कि मादी इस्तिमरारी उसके लिए शर्त है मुजारे का सीगा। मुजारे के शुरू में काना का इस्तेमाल करेंगे और तर्जमे में फ़र्क आएगा, किसी काम के कंटिन्यूसली लगातार होने का इल्म हमें हासिल हो जाएगा। तो वो करता था काना यदरिबु, वो मारता था, ऐसा नहीं करेंगे कि मारा था, अगर मारा था कर दिया तो माजी इस्तिमरारी की बजाय माजी बईद बन जाएगी। फिर इसके दरमियान में माजी इस्तिमरारी के काना का इस्तेमाल वैसे ही हम जैसे हमने माजी बईद के शुरू में काना को तब्दील किया, वैसे ही हम यहाँ भी काना को तब्दील करते चले जाएंगे। काना काना कानू कानत काना का कुन्ना कुन्ता कुन्तुमा कुन्तुम कुन्ती कुन्तुमा कुन्तुन्ना कुन्तु कुन्ना, यानी काना यद्रिबु काना यद्रिबानी कानू यद्रिबूना, ठीक है जी, इसी तरह आखिर तक ये गर्दानें बनती चली जाएंगी। मादी तमन्नाई या मादी इहतमाली या मादी शक्किया, पांचवी किस्म मादी इहतमाली मादी शक्किया लअल्ला का इस्तेमाल करके। बनाने का तरीका क्या है? लअल्ला को इसम के शुरू में लगा दें और इसम के बाद फिर माजी मुतलक मारूफ के सीगे लगाते जाएं। लअल्ला ज़ैदन ज़रबा, लअल्ला ज़ैदन ज़रबा, ये इसकी गर्दान है। उसके बाद मादी तमन्नाई या मादी शर्तिया, इसके भी दो नाम, मादी तमन्नाई शर्तिया, इसमें लैता का इस्तेमाल करके मादी तमन्नाई, लऊ का इस्तेमाल करके मादी शर्तिया। बनाने का तरीका भी वही है कि लऊ और लैता को इसम के शुरू में लगाएंगे और उसके बाद फिर माजी मारूफ के सीगे को आखिर तक लगाते जाएंगे, तो ये सारी गर्दान इसकी बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसके दरमियान में हमने कुछ चीजें पढ़ी, फेले मारूफ मजहूल लाजिम और मुतअद्दी, इसको फिर मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ। फेले मारूफ और मजहूल, जिसमें फ़ाइल मजकूर हो, फेल की नस्बत फ़ाइल की तरफ हो रही हो, हमें मालूम हो जाए, वो फेले मारूफ कहलाता है। जिसमें नस्बत फेल की किसी फ़ाइल की तरफ ना हो, फेल का इल्म भी ना हो, वो फेले मजहूल कहलाता है। ये बात बिल्कुल वाजे कर लें, मारूफ जिसमें करने वाले का इल्म हो, मजहूल जिसमें करने वाले का इल्म ना हासिल हो, ये मारूफ मजहूल। फिर उसके बाद लाजिम और मुतअद्दी, जो काम फकत फाइल पर पूरा हो जाए, हमें कलाम के अंदर फाइल के बाद मजीद किसी इसम की जरूरत नहीं पड़ रही, वो फेले लाजिम है। अकला ज़ैदुन ज़ैद ने खाया, शरीबा ज़ैदुन ज़ैद ने पिया, ज़हबा ज़ैदुन ज़ैद गया, ठीक है। तो अब ये इसकी सूरत बन गई सर लाजिम की।
متعدی جس میں فقط فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ہمیں فعل کے بعد فاعل، فاعل کے بعد مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ قتل زید، زید نے قتل کیا، کس کو کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، لہذا ہم آگے مفعول لگائیں گے، قتل زید عمرن، زید نے عمر کو قتل کیا۔ تو یہ اس کی فعل لازم اور فعل متعدی، یہ ہم نے اقسام اس کی پوری کرنی۔ تو اس میں آخر میں دہرائی کے طور پر میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، ماضی منفی اور ماضی مثبت، ماضی منفی اور ماضی مثبت۔ ماضی مثبت کیا ہے؟ جس میں لفظ ما یا لفظ لا کا استعمال نہ ہو، سمپل ماضی، ماضی معروف کے سیگے ہو، ضرب 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 تم ضرب تم ضرب تی ضرب تم ضرب تم ضرب تو ضربنا، یہ مثبت ہے۔ مجہول منفی کیا ہے؟ جس کے شروع میں ما کا استعمال ہو جائے، ما ضربا ما ضربو ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربت ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتی ما ضربتما ما ضربتن ما ضربت ما ضربنا، یہ منفی مجہول ہے۔ یہاں تک ہمارے فعل کی اقسام، کلمہ اور اس کی اقسام، فعل کی اقسام، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کی اقسام تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقی یہ گرامر میں نے شروع میں عرض کیا کہ چونکہ یہ خشک سی ہوتی ہیں، خشک سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر توجہ اس کی طرف اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ہماری متعلقہ آیات کو سمجھنا ہے یا احادیث کو سمجھنا ہے، وہ آیات بھی مخصوص آیات ہیں، احادیث بھی مخصوص، 40 احادیث ہیں یا 25 ہیں یا 20 ہیں یا 30 ہیں، تو اس لیے اصل جو مدارس ہیں، مدارس دینیہ، اصل تو ان میں ہے کہ سارا آخر تک احادیث پر غور کیا جاتا ہے، اس میں پھر تفصیلی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں وہ پورا ایک جو ہے نا 3 مسلسل گرامر ہی کے ہوتے ہیں، تو وہ باریکیاں اس میں آتی ہیں۔ جب تک ہم جہاں تک اپنے اس میں اپنے نصاب کی بات کریں تو ہمارے لیے اتنی گرامر بھی اگر ہم اچھی طرح اس کو کہتے ہیں وہ اچھی خوب دبا کے اس کو پڑھ لیں تو امید ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیگوں کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ترجمے کرنے میں، معنی کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وما علينا إلا البلاغ المبين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.